अब पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनियन से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी। अगर केजरीवाल साहब नहीं भी होते और कोई भी होता, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ हम जा ही नहीं सकते। चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? आज आम आदमी पार्टी के साथ लड़ कौन रहा है? सीधा सीधा भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे लोगों के साथ बैठेगा कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। ऐसी किसी प्रकार की किंतु परंतु कहीं नहीं है। हम लड़ेंगे और हमें लड़ना आता है, लेकिन जहां सिद्धांतों की बात है, जहां देश की बात है, वहां देश पहले है। पंजाब च कांग्रेस मुख्य विरोधी पार्टी है ते रहेगी। ये शब्दों का प्रगटावा पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने किया जदों अज चंडीगढ़ विखे पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सन। तो उन्होंने कहा कि असी पंजाब च आम आदमी पार्टी नाल कोई समझौता नहीं किया, असी पंजाब च जिवें मुख्य विरोधी हाँ ते विरोधी रहांगे। नाल ही उन्होंने पंजाब दे विच मान सरकार दे उत्ते कई तरह के सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि मान सरकार दे वल्लों जान बुझ के साढ़े लीडरां नूं तंग किया जा रहा है। होर की कुछ कहा उन्होंने, आओ तुसीं वह भी सुनो। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का मीटिंग का सिलसिला था, वो जिस प्रकार से पूरे पंजाब में बाढ़ आई, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद कर सकती है और लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है और किस प्रकार से हम लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया। बाढ़ आई, जहाँ तक कुदरत की आफत थी, मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ सरकार का ये मैंटेन भी डिजास्टर रहा। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री की इसमें बहुत बड़ी नलायकी निकल के सामने आ रही है। जिस प्रकार से प्रबंध होने चाहिए थे, जिस प्रकार से इंतजाम होने चाहिए थे, जिस प्रकार से पहले हड़ों से पहले, मार्च से पहले फरवरी में मीटिंग लिया जाता है, वो नहीं इंतजाम किए गए। ड्रेनेज की सफाई के लिए इंतजाम नहीं किए गए। बार बार मुख्यमंत्री गंगर की बात करते थे, बहुत बार उनकी वीडियो वायरल हुई है कि भाई गंगर ही नहीं सुताया, गंगर ही नहीं ठीक हुआ, मैं आते ही गंगर को ठीक कर दूंगा। तो आज गंगर का जो हालात है, आज भी बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे अखबारों में लिखा है कि जिस प्रकार से आज की जो बांध है वो नहीं बांधे गए, लोगों के खेतों में सिलट घूम रही है, लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें थी चांदपुर बॉर्डर जैसे, जहाँ पर सरकार की नलायकी के कारण आज जो हमारा मानसा जिला है, सरगुजगढ़ में जो पानी आया है, वो केवल और केवल सरकार की नलायकी और मुख्यमंत्री साहब की नलायकी से हुआ है। नहीं तो आज बहुत सारा नुकसान जो है वो बच सकता था। मैं सतलुज दर्रा पर जाकर आया हूँ, वहां पर वर्तमान जी भी गए, लोगों ने कहा कि अगर खुदाई हो जाती पहले सतलुज के नीचे जो वो पुल है, रेलवे का पुल, अगर नीचे से सफाई कांग्रेस के समय नीचे से सफाई हो गई थी। और इस बार खुद सीचेवाल साहब ने कहा कि आपके अधिकारियों ने सफाई होने नहीं दिया, टेंडर लेट लगाया, जब तक टेंडर लगाया सफाई का, मिट्टी उठाने का, तब तक सतलुज का पानी और बढ़ गया था, इसलिए बाढ़ टूट गया और वहां भी नुकसान हुआ। तो आज की जो मीटिंग थी, पूरी की पूरी हमारी जो बैठक थी, वो केवल और केवल हड़ों के ऊपर थी। और किस प्रकार से हमें सरकार से मुआवजा मांगा है, 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है हम लोगों ने, 50,000
हजार रुपया तो ठेका है, और इसी प्रकार से पशुओं का नुकसान हुआ है उसके लिए 50,000 5 लाख रुपया, जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जो व्यक्ति मरे गए आठ में इस बाढ़ में उनके लिए 10 लाख रुपए। तो इस प्रकार से सारी हमारी मीटिंग रही। आने वाले दिनों में हम गवर्नर को भी मिलेंगे। केंद्र सरकार भी 218 करोड़ रुपया देकर हाथ नहीं निकाल सकती, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो 30,000 करोड़ रुपया है उनके पास, उनमें से हमें 10,000 करोड़ रुपया दें। और भगवंत मान जी जो कर्नाटका बिजी है, जो अपनी इधर उधर बातों में बिजी है, हमने उनको कहा है कि भाई आप एक सदर बोला है, उसके बिना बात बनेगी नहीं। आपको एक स्पेशल इमरजेंसी बजट सेशन बुलाना चाहिए, तभी कोई ना कोई मुकम्मल हल लोगों का हो सकता है। तो ये आज की मीटिंग तो मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग हमें गलत वोट कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा कोई अलायंस, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, आजादी के समय से आज तक, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए हम लड़े। आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जिस प्रकार का आज देश में विवाद है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, वो तमाम दल इकट्ठे हुए। आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि यह अलायंस हो गया है। अभी इसमें ऊपर कोई सी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हम पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी इसके ऊपर पहली कोई टिप्पा टिप्पणी कर देना मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती है, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की बल्कि देख रेख करना चाहती है, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो उनका कोई एमएलए है ऐसी पार्टियां है, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि भाजपा की जो उनको लगता था जमीन खिसकती हुई नजर आई। तो हम लोग अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनियन से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन आप लोग उसको दूसरी तरफ पर से आपने कब सुना कि हमने ये कहा कि अध्यादेश पे हम नहीं खड़ा होंगे? ये तो सुनिए, अगर केजरीवाल साहब नहीं भी होते और कोई भी होता, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ हम जा ही नहीं सकते। और चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? और कोई भी प्रकार हो तो हमने हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ लड़ाई ली है। जहां जहां देश के अन्याय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात होगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात होगी, उसके ऊपर हमने केजरीवाल साहब हमसे मदद मांगते ना मांगते, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जो देश को तोड़ना चाहती है। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने हमारे से मांग मांगी, कोई भी और पार्टी भी होती, चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी हो। पंजाब कांग्रेस को जाने में अपराध तो नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ? किस बात को पंजाब में भाई, अगर निशानी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आज हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है, हमारा रोज उनसे लड़ाई है, आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आज रोजाना हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी आवत है? आज आम आदमी पार्टी के साथ लड़ कौन रहा है? सीधम सीधा भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे लोगों के साथ बैठेगा कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी किसी प्रकार की
नहीं नहीं है, हम लड़ेंगे और हमें लड़ना आता है, लेकिन जहाँ सिद्धांतों की बात है, जहाँ देश की बात है, वहाँ देश पहले Can we say that is the principal alliance
going to vote it. Let the situation come first. Then only I can justify it. I don't think so. That situation is going to come. And I don't need to justify myself. Still there is no nothing happening like that. कि हम लोगों ने कोई समझौता कर लिया है। ऐसा तो केजरीवाल साहब ने भी कहा था एक बार कि राहुल गांधी को जो भेजा गया है उनको सजा सुनाई है। मेरे को लगता है सुखबीर बादल ने कहा था, सिमरनजीत सिंह मान ने भी कहा था। That doesn't mean कि मुद्दों की विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई है। बातचीत करेंगे दिल्ली हमेशा अपने स्टेट यूनिट से बात करती है अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज करनी हो। आपको लगता है फ्रेंडली मैच किस किस का हो रहा है हमें तो बताए। अगर आज भी लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच है, ये मेरे को लगता है कि चंद लोगों की बताते हैं। ये बात 5 मंत्री हमारे अंदर दे दिए, हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री अंदर दे दिया, वही बंदे। एक मिनट छोड़िए, हमारा फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बीजेपी वालों का है, अकाली दल वालों का है, जिनका एक भी बंदा नहीं अभी तक किसी ने दिया। हम तो 5-6 मंत्री अंदर देंगे। फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप कहते हो दिस इज नॉट द कोर इशू। हम आपको क्या लगता है कि किसी के सामने घुटने टेकने चाहिए? अगर हमारा बंदे का पकड़ दिया तो हम घुटने टेक देंगे? हम इसलिए तो कह रहे हैं, नहीं तो फिर हम कह दें कि ठीक है हमारा कोई विरोध नहीं है तो कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है। हम कह रहे हैं कि मुख्य विरोधी पार्टी ये है और रहेगी। अगर मुख्यमंत्री साहब के कागजों में इतनी हिम्मत है वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। हम लड़ेंगे। रंधावा ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं कोर्ट जाऊंगा। हम लड़ेंगे। खाली एक नोटिस देकर अपनी बात करनी और दोबारा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री बहुत तरीके ना अपनी गल घुमा देते हैं, बड़े सिस्टम ना अपनी गल चला देते हैं। तो पहला चरणजीत साहब के मुद्दे थे, फिर मुख्तार अंसारी के मुद्दे थे। हूँ गवर्नर ने कहता था कि जरा तुम जरा हर 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है ही गलत। मैं तो गवर्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ, गले कौन है? मैं गवर्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ कि जिदे सत्र हो रहा चिट्ठी उदे क्यों नहीं लिखी भाई साहब? थोड़ा उदे ही कहना चाहिए सी कि ये सत्र गलत है। तो दूजा मुख्यमंत्री साहब तो और पैसा कौन क्लेम करूंगा भी 1,40,00,000 रुपया 70,00,000 रुपया एक सैशन से लगता है। जे गवर्नर ने कहता भी ये संवैधानिक ही नहीं है, ये विधानसभा जी इन्हें लाई सी इन्होंने, तो फिर यदा मतलब भाई जी 1,40,00,000 रुपया हम सू कौन क्लेम करा? वो मुख्यमंत्री साहब तो क्लेम करा? फिर रले कौन है? लॉटस याद होना है की ना सी मिशन लॉटस, ऑपरेशन लॉटस। वो इन्होंने परचा दर्ज कराया, इन्हें MLA ने दर्ज कराया, बाय नेम कराता, बाद चाहे ऑपरेशन पाते विजिलेंस को कितने ऑपरेशन लॉटस। और भी एक विधानसभा का 70,00,000 रुपया लाए थे जो बेफजूल सीगा। अजो मुद्दा कितने? तो क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया गवर्नर साहब ने? गवर्नर साहब ने भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए सी कि होम मिनिस्टर का ना कदे कदे लेंदे सी दबीवाज च, वो गल ही खत्म हो गई। और भी फिर तुम सत्र एक बार बुलाने की इजाजत नहीं दी सी, फिर समझौता तो कराता अमित शाह जी ने, भागे भी नहीं, गल एक ही है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सरकार से रले कोई होर है। असी हमेशा लड़ते हैं, बाकी हाईकमान कोई भी गल करेगी तो मैं लगता स्टेट यूनिट्स को पुछ के गल करेगी तो फिर कोई गल करेंगे। साढ़े पंजाब के जो मुद्दे हैगे है साड़ी उन्होंने लड़ाई है। नशिया का सब तो वड्डा मुद्दा है, अज पानी हड़ा का सब तो वड्डा मुद्दा है। पहले ही नहीं लोगों को मुआवजा मिले, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कहते सी कि यार बिना मुआवजा तो ही दे दूंगा मैं तो पैसा। अज लोग तरस रहे हैं,
जाके आए हैं सिल्ट जम के लोगों के कहते झोना ला लो पहले सिल्ट किमें कढ़नी है उन्होंने दसो की इंतजाम आता है झोना तो तुम कहता ला लो गी पानी च वड़न काम नहीं चलना जी कुछ करना पैना है जेडे पशु डंगर मर गया जिन्हें गरीबों के कोठे डह गए इस करके कहना कि स्पैशल बजट सैशन मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए ता जो पंजाब के लोगों को राहत दे सके किसने कहा बोल दिया बहुत सारे नहीं गवर्नर ने क्या किया हमारे साथ गवर्नर ने क्या किया कि हमारी जमीन नहीं नहीं साड़ी जमीन जड़ी सी पंजाब की जिरे ते साड़ा हक है साड़ी जड़ी जमीन सी पंजाब की जिरे ते साड़ा हक है यूनियन टेरिटरी ते साड़ा हक है पंजाब के पिंड उजड़े सी कई साल तो यह मसला है रणजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के मैं लगता कि इस गलते कि चंडीगढ़ सानू मिलना चाहिए 60-40 की रेशो है आदरणीय जिहड़ा गवर्नर साहब कौन होंदा है साड़ी जमीन देने वाला साड़ी जमीन गवर्नर साहब जी ने 10 किले सानू बिना पूछे अलॉट करती थे हरियाणे तो दिल्ली पंचकूला तो हालांकि सानू पूछना चाहिए तो सरदार भगवंत सिंह मान ने तो पहले दिन ही ट्वीट करता सी मैनू भी 10 किले दे दिओ सो मेरे कहने का मतलब कि गवर्नर साहब जो हैं सब मिले जुले हैं ये बात बात की करते ये उसी दिन मुद्दा उठाने वाला था जो उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फिर कार्रवाई क्या की मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई भी करें एक चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया गवर्नर साहब ने कार्रवाई करें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था 1,40,00,000 रुपया अब मुख्यमंत्री भरेंगे जो गलत चंडीगढ़ तो बिंदु सिंह की रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी D5 चैनल पंजाबी ते होवेगी पक्ष दे मुद्दियां दी गल सियासी पार्टियां नू करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट निडर हां निरपक्ष रहांगे आजाद हां सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नू सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोक ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ